अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मॉर्निंग रन मैंने कंप्लीट कर लिया। आज यहाँ बहुत सर्दी सर्दी है लंदन में। टेम्परेचर शायद 0 या -1 है, फील लाइक -3 है। ऑलमोस्ट फ्रीजिंग वेदर है। तो लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आई नेवर हैव अ डे ऑफ फ्रॉम माई वर्कआउट रूटीन, सो आई जस्ट रन फ्रॉम माई रूटीन मॉर्निंग रन। अभी मैं घर जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा और आज मैंने थोड़ी शॉपिंग करने जाना है। मुझे नई टोपी चाहिए अपने लिए और ग्लव्स चाहिए। तो मैं आपको भी दिखा दूँगा यहाँ पे इस शॉपिंग कैसे की जाती है। तो साथ बने रहिए। थैंक यू जी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, शावर ले लिया, चेंज कर लिया, बस अब कॉफ़ी पी रहा हूँ और फिर बाहर देखें कितना ठंड यहीं से फील हो रही है। तो टेम्परेचर आज 1 है बट फील लाइक -3 है। तो मैंने कहा कि कुछ विंटर की शॉपिंग हो जाए तो आपको भी साथ दिखाऊं कि क्या नई कलेक्शन आई हुई है। तो मुझे बेसिकली चाहिए एक नई टोपी, वुलन हैट और ग्लव्स। तो अगर कुछ और वहाँ पे देखें कुछ पसंद आया तो शायद वो भी ले लूँ। सी यू इन द मॉर्निंग। घर से मैं निकल पड़ा हूँ। यहाँ लंदन में जो ड्राइविंग है ना वो बड़ा सब्र वाला काम है और बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं यहाँ पे ड्राइविंग के, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। जगह जगह पे देखें कैमरास बाहर लगे हुए हैं, अगर आप ओवर स्पीडिंग करें आपकी तस्वीर खींच लेंगे, अगर आप लाइन चेंज करें, इशारा तोड़ें आपकी तस्वीर खींच लेंगे और आप एक घर फाइन आ जाएगा। पाकिस्तान में मैंने सुना अभी लाहौर में इस तरह के इनिशिएटिव्स भी हुए हैं यहाँ पे तो काफ़ी अर्से से हैं और ये बहुत इफेक्टिव है यहाँ पे। मुझे एक दफ़ा पेनल्टी हो चुकी है ओवर स्पीडिंग पे, लेकिन वो मेरा पहला क्राइम था तो मुझे उन्होंने एक कोर्स करके तो कोर्स पे भेज दिया था। मुझे मेरे लाइसेंस से पॉइंट्स नहीं लगाए थे, तो यहाँ पे लाइसेंस पे अगर आपके 12 पॉइंट्स हो जाएँ तो आपका लाइसेंस जो है वो ले लेते हैं और आपको फिर दोबारा से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। और मिनिमम क्राइम से मुराद अगर कोई भी आप ऑफेंस करते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड, तो मिनिमम जो है पेनल्टी वो 3 पॉइंट्स है। अगर आप कोई सिग्नल तोड़ते हैं मेन सिग्नल, तो उसके 6 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अब जिस तरह जिस लेन में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 की है, लेकिन अभी तो 5 पे गाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि ये 1 वे है, आप गाड़ी यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। और जिस तरह ट्रैफिक का फ्लो चलता है आपको वैसे वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। नॉर्मली हम मोबाइल नेविगेशन वाला यूज़ करते हैं तो उससे कम से कम पता चल जाता है कि कोई रोड ब्लॉक है तो हम ऑल्टरनेटिव रूट से भी जा सकते हैं, लेकिन ये मॉल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो चला इधर से चले जाते हैं बगैर चेक किए। नॉट बैड, मतलब आज इतना बुरा नहीं है। ये देखें एक और कैमरा आ रहा है येलो कलर का। अगर ये वाला इशारा रेड और मैं तोड़ तो यहाँ पे तस्वीर खींच और 6 पॉइंट्स हैं इसके। ये देखें ऑटम की वजह से दरख्तों के पत्ते भी ऑलमोस्ट गिर गए हैं सारे। सब टेम्परेचर तकरीबन 7 के आसपास बेहतर हो गया एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अभी टाइम तकरीबन 12:30 का हो गया। तो क्रिसमस की डेकोरेशन हुई हुई है। Thank you.
जी मैन सेक्शन, जैकेट्स और आई हुई हैं सर्दियों की होती है। मुझे चाहिए सॉक्स पर है। व्यूज भी बड़े अच्छे हैं साइड पे, उन्होंने ओपन ग्लास विंडो लगाई हुई है, ट्रैफिक लाइट है। ये सामने सारे नए क्वार्टर्स बने हैं। यहाँ पे पहले एक शराब की फैक्ट्री थी, लेकिन क्योंकि यहाँ आबादी बहुत हो गई थी तो उसकी स्मेल से लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कंप्लेन की कि इसे आपको मूव किया जाए यहाँ से, तो उसको फिर कहीं और मूव किया उन्होंने। और ये बहुत बड़ी जगह थी अंदर, तो ये सारे नए रेजिडेंशियल ब्लॉक्स बन गए। और ये बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि ये लोकेशन बहुत आइडियल है, कमर्शियल है। स्कूल का ट्रिप है, वो बड़ी खूबसूरत जगह है। तो ये हैं जी ग्लव्स लगे हुए यहाँ पे, ये कुछ रॉल फ्लोरेंट पोलो नाइस। कोई हैट्स वगैरह हैं, ट्राई करते हैं। इस तरह से शायद रोशनी ज़्यादा अच्छी पड़ रही है। कैब्स बहुत सारी हैं जिस आप देख रहे हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही है कौन सी कम है। मुझे डार्क कलर पसंद है प्लेन, क्योंकि वो हर कपड़ों के साथ चल जाती है। लेट्स क्विकली सी दिस वन। सेटिंग अच्छी है लेकिन थोड़ी लूज है शायद, साथ साथ लूज हो। मुझे अभी तक जितनी भी ट्राई की हैं सबसे पसंद ये आई है। तो कलर भी इसका डार्क है, फिनिशिंग भी अच्छी और लेबल भी अच्छा है ली, माय फेवरेट ब्रांड। तो ये लड़ते हैं। एक चीज़ होगी, हमें चाहिए ग्लव्स, सुबह आप रनिंग करते हो बहुत ठंड लगती है। Let's see.
परफेक्ट। लकी दीदी ग्लव्स फिटिंग भी बहुत अच्छी है इनकी, वार्म भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये कैप से मैच भी कर रहे हैं। सो लेट्स पे फॉर दिस। जी कैप मैंने ले लिया और फिटिंग बड़ी अच्छी है इसकी, कलर भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, तो स्पेशल ऑफर लगी थी उस पर, तो विन विन सिचुएशन है। तो ग्लव्स भी आ गए हैं, कैप आ गई है, अब थोड़ी ग्रॉसरी करनी है, मैं देखता हूँ कि अगर वहाँ पे वीडियो बना सका तो, और कॉफ़ी लूँगा। तो अभी यहाँ पे क्रिसमस की वजह से शॉप्स ने काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ऑफर वगैरह लगाई हैं, और लेकिन असल सेल जब क्रिसमस के बाद लगेगी तो उस पर हम लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अगर मैं वहाँ से भी दिखा सकूँ आगे से, तो सी यू देयर। जी अभी घर में पहुँची हूँ, वहाँ पे व्लॉग नहीं कर सका, काफ़ी भीड़ थी और आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं जा रही थी। तो कॉफ़ी मैंने ले ली, थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, और मैंने दो जंपर ख़रीदे तो मैं अभी ऊपर जाकर दिखाता हूँ। वो प्लान नहीं था लेकिन सेल में लगे थे तो मैंने वो परचेज कर लिया, तो क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वेदर है उन जंपर्स की जरूरत हो जाती है, तो मैं ऊपर जाकर आपको शॉपिंग दिखाता हूँ। जी वापस मैं आ गया हूँ, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ से मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, आईपैड पड़ा मेरा, और ये है जी कैप और ग्लव्स आपने देख ली हैं। ये दो जंपर्स प्लान का हिस्सा नहीं थे लेकिन वहाँ पे बड़ी अच्छी प्राइस उसमें मिल रहे थे, तो यहाँ पे सर्दी है, हर वक्त ऐसे कपड़ों की ज़रूरत रहती है, तो मैंने ये ले ली है। और ये बड़ा अच्छा इनका मटेरियल है, स्टफ है, और कलर भी बहुत अच्छे हैं। जी तो ठीक है, आज का वीडियो मैं फिनिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट बताएं कि अगर आप कोई और स्पेशल जगह या लंदन में देखना चाहते हैं। सर्दी बहुत है, क्रिसमस सीज़न है, मुझे ट्रैवलिंग का इतना टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा रिसेंट जो पोलैंड का ट्रिप है वो भी मैं कर आया हूँ वहाँ से, तो वहाँ के वीडियोज़ मैं बहुत जल्दी पोस्ट करना शुरू करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा और भाई को सपोर्ट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।